हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स में आज बात करेंगे हम मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट एन आय हाफ सेल नंबर फोर्थ था ये तीन तरह के हाफ सेल्स की हम बात कर चुके थे मेटल मेटल आयन हाफ सेल गैस हाफ सेल एंड रडॉक्स हाफ सेल चलिए बात करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर आई मेन और एडवांस सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लिखो हैडिंग मेटल मेटल इंसॉलिबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल मेटल मेटल इंसॉलिबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल मेटल अगर कोई मेटल ले ली मान लो सिल्वर तो उसी मेटल का इनसॉलिबल सॉल्ट होना है जैसे एजीसीएल एनायन तो फिर उसी इनसॉलिबल सॉल्ट का एनायन भी होना है क्लोराइड आयन फेज़ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जैसे मान लो लेड लिया अगर मान लो उसी का सॉल्ट लिया इन वाटर में सोलिबल ना हो स्पेरिंग सोलिबल सॉल्ट हो पीबीएस तो फिर सॉल्यूशन में कौन होना चाहिए सल्फेट आयन सो इस तरह के जो हाफ सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम मेटल मेटल इनसॉलिबल सॉल्ट एन आयन हाफ सेल एक बार चलो डिफाइन करते हैं इसको इट कंसिस्ट ऑफ of a metal rod uh, coated with metal insoluble salt and dipped into an aqueous solution कंटेनिंग एन आयन ऑफ इन्सॉलिबल सॉल्ट तो एक मेटल रॉड कोटेड विथ द मेटल इन्सॉलिबल सॉल्ट एंड द होल सेटअप इज डिप्ड इन टू दैट को सोल्यूशन कंटेनिंग एन आयन ऑफ द इनसॉलिबल सॉल्ट जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको इस टाइप से मान लो ये सिल्वर की रॉड ले ली हमने इस पर एक कोटिंग कर दी हमने यहां पर पोरस कोटिंग इस टाइप से और ये एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया ये कोटिंग है पोरस कोटिंग ऑफ मान लो एजीसीएल ले लिया मेटल इन्सॉल्यूबल सॉल्ट सॉलिड और फिर सॉल्यूशन किस चीज का होना चाहिए क्लोराइड आयन का तो सीएल माइनस एक्व होगा मान लो उसका सोर्स केसीएल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल केसीएल ले लिया एक्सीएल ले लिया चलेगा वो सब तो सिल्वर रॉड कोटेड विद द सिल्वर क्लोराइड पोरस कोटिंग एंड डिप इन टू द्लोराइड एंड सोल्यूशन अच्छा जरूरी नहीं है कोटिंग ही हो आप सोल्यूशन में अगर प्रेसिप्लेट पड़ावा हो एजीसीएल सॉलिड हो किसी भी कोने में पड़ा हो या, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नीचे पड़ावा हो पीपीटी तो भी चलेगा ये इस तरह का हाफ सेल तो जो मेटल होनी चाहिए उसी का मेटल का इंसॉलिबल सॉल्ट उसी का एनायन होना चाहिए ये मैंने एग्जाम्पल लेकर देखो ऊपर बताया भी था लेड की रॉड ली है तो लेड सल्फेट अगर मान लो इनसॉलिबल सॉल्ट की कोटिंग ली है या सॉलिड लिया है मान लो प्रेसिपिटेट लिया हुआ है सल्फेट शुड बी प्रेजेंट तो द मेटल रॉड कोटेड मेटल इनसोलिबल सॉल्ट एंड कंटेनिंग एन आयन ऑफ इनसॉलिबल सॉल्ट तो ये हुआ अब बात आती है वर्क कैसे करेगा कैथोड एनोड दोनों तरीके से वर्क कर सकता है तो मान लो यही वाला एग्जांपल लेते हैं एजीसीएल वाला सिल्वर वाला तो इसी का एग्जाम्पल अगर मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो इफ इट एक्ट्स एज कैथोड कैथोड मतलब रिडक्शन की तरह रिडक्शन हाफ तो रिडक्शन में किस तरीके से एजीसीएल का सॉलिड का रिडक्शन इलेक्ट्रॉन एजी सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन ये है यह रिडक्शन हाफ हुआ दिख रहा है और इसका आईओपीएससी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा फिर आईयूपी रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है कि रिडक्शन हाफ या कैथोड में इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट में आएगा प्लेट तो सिल्वर है एक्सट्रीम राइट right में तो कौन Cl- माइनस एक्वस एजी सॉलिड सिल्वर सॉलिड यह है आईओपीएससी रिप्रेजेंटेशन

एट एक्ट इट एक्ट एज एनोड ऑक्सीडेशन हाफ तो अगर एनोड बनाना है तो व्हाट विट विल डू रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन कन्वर्टेड टू एजीसीएल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन अच्छा आई रिप्रेजेंटेशन वो भी रिवर्स हो जाएगा आपको पता है कि जब एनोड होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीम लेफ्ट में लेते हैं तो सिल्वर फॉर एट अब बात आती है metal, metal salt, वाले cell, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला हाफ सेल है इसका पोटेंशियल uh, कैसे फाइंड आउट करें हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें स्टैंडर्ड आ गया तो फिर तो अगर सेल रिएक्शन पता होती है तो फिर तो हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो चलो हेडिंग लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इ नॉट ऑफ मेटल मेटल इन सॉलिबल सॉल्ट An ion half cell. Determination of E naught of metal-metal insoluble salt and ion half cell. so यही example लेते For example, le liya uh, Let us take uh, Cl minus AgCl Ag acting as कैथोड। हमने ये वाला हाफ से ले लिया सिल्वर सिल्वर क्लोराइड एंड क्लोराइड आयन और वर्किंग एज कैथोड कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट में तो इसके लिए सेल रिएक्शन क्या हो गई फॉर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है सेल रिएक्शन क्या हो गई इसके लिए अभी लिखी थी हमने एजीसीएल प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू ए जी प्लस सी एल माइनस सॉलिड सॉलिड सेल रिएक्शन है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ई नॉट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जब ई नॉट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक काम करो एक तरीका है इसका, आप सिल्वर uh, आयन का रिडक्शन पोटेंशियल तो सबको पता होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल का सॉलिड एक्वस इसका अगर पोटेंशियल देखें तो दैट वुड बी नॉट एजी प्लस ए जी सिंपल वैसे पॉइंट एट वोल्ट होता है हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए इसके बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी लिखा था ये सिंपल मेटल मेटल आन हाफ सेल है सिल्वर रॉड डिपिंग इनटू द सिल्वर आयन सॉल्यूशन मेटल मेटल इन सोल्यूबल सोल्ट नहीं है ये ये सिंपल मेटल मेटल आय हाफ सेल है तो ए जी प्लस इसका पोटेंशियल ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है इसका डेल्टा जीवन नॉट हम निकालना चाहें तो लिखा सकते हैं माइनस एन एन एफ ई सेल ई नॉट तो एन तो वन ही है यहां पर अच्छा एन ले कर ही बात करते हैं into f एफ e टू ई नॉट ए प्लस यही आ गया लिख लेंगे ऐसे इसको अब एक काम करो आप इसको एजीसीएल को सॉलिड को डिसोशिएट करके लिखो ए जी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस आप तो जानते हो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एस पी होता है के एसपी ऑफ एजीसीएल और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा जी टू नॉट फॉर दिस रिएक्शन माइनस एन एन की वैल्यू यहां भी वन ही है वन है यहां भी बट एन लेके बात करते हैं इन टू एफ इन ये नहीं लगेगा कौन सा फॉर्मूला माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू तो माइनस आर टी एल एन के तो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग ऑफ के एस पी बेस पर ये लिया हमने इन दोनों को ऐड कर लो देखो ये एक सेपरेट इक्वेशन ये एक अलग इक्वेशन ये कांस्टेंट हमें पता होता है के एसपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है एजी प्लस एजी का पोटेंशियल हमें बहुत स्टैंडर्ड मालूम होता है पॉइंट एट वोल्ट होता है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ऐड कर लें तो दिस इज कैंसल्ड आउट जरा देखना ऐड करने पर क्या इक्वेशन आ गई एजीसीएल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू ए जी सॉलिड प्लस सी माइनस अब दो इक्वेशन को जोड़ रहा हो तो उनके डेल्टा जी जोड़ जाएंगे तो डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट ये तो आप जानते हो होस लॉ है ये विच कैन विच कैन बी अप्लाइड फॉर स्टेट फंक्शन एल्ड्राइक ऑपरेशन कैन बी डन ऑन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो डेल्टा जी थ्री नॉट तो डेल्टा जी थ्री नॉट तो माइनस एन हालांकि एन की वैल्यू वन है पूरे केस में इंटू एफ इंटू ई इस वाले हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे रिडक्शन में है तो ई नॉट ए जी सी एल ए जी ये तो सिंबल यूज करेंगे क्योंकि रिडक्शन हाफ है ना ये और रिडक्शन हाफ का ये सिंबल था इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट माइनस एन एफ ई नॉट जी प्लस एजी माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉक ऑफ के एसपी थोड़ा सिंप्लीफाई तो थो करो माइनस एन एफ से डिवाइड कर लो तो ई नॉट फाइंड आउट करना चाहते हैं हम सी एल माइनस एजी सी एल ए जी अच्छा इनका मतलब क्या है कि कंसेंट्रेशन सी एल माइनस की क्या है वन एम यही तो मतलब है ई नॉट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब ऑल द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन कंपोनेंट्स वन एम हो और यदि गैसेज इन्वॉल्व है तो पार्शियल प्रेशर क्या हो वन बार हो इज इक्वल टू जब डिवाइड करोगे तो एन एफ से क्या बन गया ई नॉट एजी प्लस ए जी जिसका डेटा क्वेश्चन में पता होता है प्लस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के एस पी अच्छा ये वैल्यू तो आपको पता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन तो यहां से हम लिख सकते हैं ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इज इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस ए जी प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन एन की वैल्यूज पूरे केस में वन थी हालांकि हम तो जनरल केस लेके बात कर रहे हैं एन लॉग ऑफ के एस पी किसका के एस पी ए जी सी एल का उसके इसमें लिया हुआ नाम ने यहाँ तो एक तरीके से ये फार्मूला हो गया मैं नहीं मानता वैसे तो स्टूडेंट इस इसको फार्मूले के रूप में याद रखते हैं के एस पी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एन की वैल्यूज केस में पहचान जाओगे वन है आ, मेटल मेटल एंड हाफ सेल के का रिडक्शन का पोटेंशियल हमें दिया हुआ होगा तो हम मेटल मेटल इन सोलबल सॉल्ट का रिडक्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं तो वैसे तो ये फार्मूला है मैं नहीं मानता इस फॉर्मूले को कुछ समय बाद हमें इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की नास्टिक इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो चलो यही बात करते हैं तो ये एक तरीके से हमारे पास मेटल मेटल इन सोलबल सॉल्ट एन एंड हाफ सेल का रिडक्शन का पोटेंशियल आ गया इन टर्म्स ऑफ सिंपल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन मेटल मेटल एन हाफ सेल एंड के एस पी वैल्यू ऑफ ए जी सी एल जो कि क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं अच्छा ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल था स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल salt सॉल्ट एनाइन हाफ सेल चलो बात करते हैं अब नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की नॉन स्टैंडर्ड कब जब कंसेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस वन एम ना हो तब क्या करें चलो बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इंसॉलिबल सॉल्ट

और उस पर एक कोटिंग कर दी थी हमने हाँ, लेकिन कोटिंग ना भी लो तो मैंने कहा था कि आप सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट ले लो सिल्वर के कोई इंसॉलिबल सॉल्ट का जैसे मान लो सिल्वर का इंसॉल ये कोटिंग ले ली थी हमने ए जी सी एल की कोटिंग एंड दिस सेटअप इज डेप्ड इन टू द सोल्यूशन सी एल माइनस यही लिया था अब एक बात ध्यान दो ए जी सी एल की प्रेजेंस है सोल्यूशन में तो दिस सोल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू ए सी एल तो सॉल्यूशन इज सैचरेटेड विद रेस्पेक्ट टू एजीसीएल तो आप हर मोमेंट पर यह बात कह सकते हो कि सॉल्यूशन सैचुरटेड है विद रेस्पेक्ट टू एजीसीएल तो एजी प्लस कंसेंट्रेशन इन टू सी एल माइनस शुड बी इक्वल टू के एसपी दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन दिस सॉल्यूशन अब बात कर रहे थे हम हाफ सेल रिएक्शन क्या थी इस वाले हाफ सेल की हाफ सेल रिएक्शन थी ए जी सी एल रोडक्शन में प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू ए जी सॉलिड प्लस सी एल माइनस यही थी ना आप इस पर जरा अब ये नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इसका मतलब कंसेंट्रेशन इज नॉट वन एम तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉट नहीं लगाया यहां इज इक्वल टू वॉट ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन की वैल्यू वन है एन ई देख के बात कर रहे हैं हम तो पूरे एक्सप्रेशन में लॉग ऑफ वॉट कंसेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस यही तो लिखोगे अच्छा इसकी वैल्यू हमें एक सिंपल टर्म्स में मालूम थी हमने फाइंड आउट की थी अभी थोड़ी देर पहले पांच मिनट पहले तो क्या था एक्सप्रेशन ई नॉट क्या था वो ए जी प्लस ए जी प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन एन की वैल्यू वन है यहां लॉग ऑफ के यही तो था माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन बाकी का टर्म अपॉन एन लॉग ऑफ माइनस थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करो इसको तो क्या बन गया ए जी प्लस ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन एन लॉग ऑफ सीएल माइनस अपॉन के एस पी यही एक्सप्रेशन हुआ अब एक बात ध्यान दो यहीं से देख लो जरा हमने ये भी कहा था देखो इसको मैं अलग कर देता हूं ये यहां से क्या हुआ तो सीएल माइनस कंसेंट्रेशन अपॉन के एस पी ऑफ ए जी सी एल किसके बराबर हो गया वन अपॉन एजी प्लस कंसेंट्रेशन एक काम करो ये वाली वैल्यू ना ये वाली वैल्यू ये यहां रख लो यहां रख लो इसको यहां रखोगे तो क्या हुआ देखो एक्सप्रेशन ऐसा हो गया एक्सप्रेशन ई ऑफ सी एल माइनस ए जी सी एल में फाइंड आउट कर रहे हैं ये इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एजी प्लस ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन अपॉन कितना था ये ये टर्म कि, किसके बराबर था वन अपॉन क्या था देखो ये राह ए जी प्लस वन अपॉन एजी प्लस अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो मुझे बताओ ये कौन है कौन है ये वॉट इज दिस बताओ भैय बताओ वॉट इज दिस क्या है ये है सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल ये एक्चुअली इसके बराबर है ई ऑफ ए जी प्लस ए जी कैसे लोग मैं बता देता हूं यहां कैसे बता देता हूं देखो मान लो अगर आप ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू ए जी इसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हो सिंपल मेटल मेटल एन का तो क्या लिखोगे ई रिडक्शन में है तो ए जी प्लस ए जी क्या लिखोगे ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग ऑफ वन अपॉन ए जी प्लस यही तो लिखते हैं ये लिखते हैं। ना देख लो जरा ये देख लो ये राइट हैंड साइड इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में इक्वल है ना तो इसका मतलब मैंने मेटल मेटल एंड सोलिबल सॉल्ट एंड एंड हाफ सेल के पोटेंशियल को सिंपली क्या लिख लिया सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल वेयर यह बात पक्की है वेयर कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इज इक्वल टू के एस पी ऑफ ए जी सी एल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस जो कि क्वेश्चन में दी हुई होगी तो यहां से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई मान लो ये पोटेंशियल आउट करने कह, कह लीटर है, है इसका मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट एंड हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल एंड दिस एजी प्लस इज नएसपी अपॉन सी एल माइनस सीएल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा के एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आपने पूरा किला फतेह कर लिया यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली जरूरत पड़े ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा तो ट्रिकी भी है स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है शुरुआत में इसमें कुछ स्टूडेंट्स तो पहली बार में एकदम क्लिक कर जाता है और उनको एक फीलिंग भी आती है आह क्या बात है बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन इट तो उनको क्या चाहिए उनको इनको चाहिए कि ये नोट्स बनाएं इनके बार बार इसको डिराइव करें कॉपी पेन लेकर के और फिर समझ जाएं और फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो इस तरीके से सिंपल मेटल मेटल एन हाफ सेल के पोटेंशियल को सिंपल मेटल मेटल इन मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट एन एन वाले हाफ सेल के पोटेंशियल को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ़ सिंपल मेटल मेटल एन हाफ सेल पोटेंशियल चलो मैं और एग्जाम्पल लेता हूं मान लो ये ले लो मान लो ये कोई हाफ सेल है हमें ये फाइंड आउट करना ई ऑफ ओ फोर टू माइनस मान लो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ये एक मेटल मेटल इन सॉल्ट है तो बताओ इसे किसके बराबर लिखूं पहले तो देखो ये रिडक्शन में है ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट में है तो फिर इट इज इक्वल टू द सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल तो ई इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू ई वॉट पीबी टू प्लस कन्वर्टिंग टू पीबी बस इसके बराबर है वेर पीबी टू प्लस कंसेंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट दैट इज इक्वल टू Ksp of PbSO4 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन अब ये तो दिया ही होगा ना अरे क्वेश्चन में कुछ तो दिया ही होगा ऐसा थोड़ी होगा खाली पेपर हो करो सॉल्व अरे क्वेश्चन तो लिखा होगा तभी तो सॉल्व करोगे तो ये कंसेंट्रेशन अगर मान लो C दी हुई हो C मोल पर लीटर सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन यही तो वेरिएबल है बाकी कोई वेरिएबल थोड़ी है दिस इज सॉलिड दिस इज सॉलिड तो फिर बस ये के एस पी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ऑफ पी बी एस एफ ओ अपॉन लेते तो क्या करते देखना मान लो क्वेश्चन ऐसा कहता यह फाइंड आउट करो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पीबी मान लो ऐसा पोटेंशियल फाइंड आउट करते तो बस सिंपली किसके बराबर लेते हैं इसको मेटल मेटल हाफ सेल पोटेंशियल बट इन ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो लेना होगा वॉट पीबी कन्वर्टेड टू पीबी टू प्लस इसकी अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिख देंगे वेर ये तो पता ही है पीबी टू प्लस कंसेंट्रेशन शुडर्न एज वॉट के एसपी ऑफ पीबीएसएफओ अपॉन एसओ फोर टू माइनस सो लाइक दैट यू हेफ राइट और एग्जाम्पल जैसे कोई आपसे ये कह दे कि जरा ये पोटेंशियल तो फाइंड आउट करना uh, मान लो क्रोमेट आयन ए जी टू सी आर ओ फोर सॉलिड सिल्वर सॉलिड तो बताओ ये भी क्या है मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट एन एन हाफ सेल तो दिस पोटेंशियल इज जस्ट इक्वल टू द सिंपल मेटल मेटल एन हाफ सेल पोटेंशियल वॉट एजी प्लस कन्वर्टेड टू ए जी ए जी कन्वर्टिंग टू ए जी प्लस क्यों नहीं लिखा अरे रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो फिर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है ये Ag+ का नेट टू Ag where ये तो पता ही है कि Ag+ का स्क्वायर इनटू क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन एट एनी मोमेंट वुड बी इक्वल टू द KSP इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टैब्लिश होगा सैचुरेशन इक्विलिब्रियम ऑफ KSP सिल्वर क्रोमेट तो यहां से अगर हम Ag+ की कंसंट्रेशन चाहिए होगी तो वी कैन फाइंड आउट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैसे KSP अपॉन क्रोमेट आयन

मान लो ये फाइंड आउट करना था E नॉट Cl- AgCl जहां से शुरुआत की थी Ag तो ये भी क्या है सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल इन रिडक्शन क्योंकि रिडक्शन में है Ag कन्वर्टेड टू Ag बस हो गया हो कैसे गया सर पूरा बताओ पूरा ही लो अब अब नॉट लिख दिया आपने यहां तो Cl- की कंसेंट्रेशन क्या हो गई 1M C की जगह 1 ले लो भैया तो दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस वन वेयर Ag+ कंसंट्रेशन फिर किसके बराबर होगी एस पी ऑफ एजीसीएल अपॉन कंसेंट्रेशन वन आ गई एजी प्लस पोटेंशियल फाइंड आउट कैसा होगा पोटेंशियल सिंपल इक्वेशन लिखो रिडक्शन की एजीपर्टेड टू ए जी और एजी प्लस के एसपी अपॉन वन हो गई स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तापा तो इसका तो पोटेंशियल कितना हो गया ई एजी प्लस कन्वर्टेड टू ए जी इज इक्वल टू वॉट ई नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ ये होता है यूजली माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन लॉग ऑफ वन अपॉन ए जी प्लस और ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन अभी अभी फाइंड आउट की है किसके बराबर के एस पी के बराबर रख दो तो बस यहां वैल्यू ये आ जाएगा यहां से सॉल्व करने पर तो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो अब तो फॉर्मुले की जरूरत ही नहीं है मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट पोटेंशियल मेटल, मेटल सोलिबल सॉल्ट एन एन हाफ सेल का पोटेंशियल वही होता है सो तो सिंपल मेटल मेटल आयन का पोटेंशियल होगा बिकॉज इक्विलिब्रियम ऑफ द विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल मैं क्वेश्चन सुनूंगा ऑन इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक बार अच्छे से पढ़े इसको और नेक्स्ट लेक्चर को भी ध्यान से पढ़ेंगे दैट्स इट फॉर नाउ